त्योहार के मौके पर सीमित अवधि में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए उपायुक्त धीरंधर खटगड़ा। अन्य पटाखों के उपयोग पर 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध। उपायुक्त ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। उपायुक्त धीरंधर खटगड़ा ने कहा कि आगामी दिनों में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या जैसे कई त्योहारों का सीजन रहेगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने सीमित अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखा चलाने की ही अनुमति दी है, जो त्योहार के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक की अवधि के लिए रहेगी तथा क्रिसमस की संध्या में नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास यानी रात के 11:55 से रात 12:30 बजे तक ही कर सकेंगे। उपायुक्त ने यह जानकारी आज कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 विस्फोटक अधिनियम 1884 में विस्फोटक नियमों में जिला मजिस्ट्रेट नूह के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश पारित कर ग्रीन पटाखों को छोड़कर संयुक्त में लड़ी पटाखों सहित अन्य सभी पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने में उपयोग करने प्रतिबंधित लगाने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं, जो कि जिले में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली सर्दी के मौसम में अक्टूबर से जनवरी तक वायु प्रदूषण में वृद्धि की संभावना अधिक रहती है, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। उच्च वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ गंभीर पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद श्वसन और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए। इसलिए जिलावासियों से अपील है कि वे जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालना में सहयोग करें तथा सीमित अवधि में केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक नूह, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी BDPO, DSP, EO व सचिव शहरी समितियां, सभी पुलिस थानों के SHO, अग्निशमन अधिकारियों तथा अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारियों को भी इन आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ग्रीन कैकर्स का ही यहाँ पर अलाउ किया गया और वो भी 2 घंटे के लिए वहाँ पर जलाने के लिए गए। इसके साथ साथ किसी भी अन्य तरह की जो क्रैकर्स हैं वो उस पर बैन लगा गया है, उसके स्टोरेज पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, उसके उत्पादन पे भी बैन है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस चीज़ में संलिप्त होता है तो उसके अंतर्गत कार्रवाई हम करेंगे। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध भी है कि वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप ग्रीन क्रैकर्स का ही उपयोग करें।